हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज मैंने हानिया आमिर का ये इंस्पायर्ड लुक करा है, तो कैसा लगता है आपको ज़रूर कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक करना अगर ये वीडियो अच्छा लगता है, देन प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो गाइस मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो इस मेकअप को करने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, पता नहीं कैसा होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब्स का ये ग्रीन टी टोनर। तो बहुत अच्छा लगता है यार, इतना फ्रेश फ्रेश फील होता है ना। अभी इतनी गर्मी आई है, मतलब मेरे ना ऊपर वाले रूम में इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना, मुझे बिल्कुल वीडियो बनाने का भी मन नहीं होता। पता है बड़ी मुश्किल से मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ। इसको ना मतलब ऐसे स्प्रे करते ही ना इतना अच्छी हाइड्रेट वाली फीलिंग आती है ना, मतलब इतना अच्छा फ्रेश फ्रेश लगता है ना फेस पे, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब मुझे मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, तो इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लैक्मे का यहाँ पीच मिल्क। इसमें जितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना, मैं इसको शेक करके फिर यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैं जितने प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ ना, सभी चीज़ें आप ना ब्राइडल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक ब्राइड हैं और सोच रहे हैं अपना मिनी किट बनाने के लिए, तो आप इन सब चीज़ों को ना ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। मैं इस पर ना एक अलग से हॉल शेयर कर चुकी हूँ, ब्राइडल के लिए मैं अलग से हॉल शेयर कर चुकी हूँ। तो अगर आपने वो हॉल नहीं देखा है, ब्राइडल मैंने ब्राइडल का ना पूरा किट बनाया है और उसको ना अपने चैनल पर ना पोस्ट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं उसे जाके। उसमें आपको सारी की सारी चीज़ें अंडर बजट मिल जाएंगी, बहुत ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो उन्हीं चीज़ों का आज मैं ट्राई कर रही हूँ। क्योंकि गाइस अब ना यहाँ प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ये प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये बेस्ट प्राइमर है, मैं कह रही हूँ ना ये बेस्ट 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 से भी ज़्यादा बेस्ट प्राइमर है। अब जो जो पैसे बहुत ज़्यादा मतलब महंगे महंगे जो प्राइमर्स आप खरीदते हैं ना, उससे तो लाख गुना ज़्यादा अच्छा है। मतलब इतने कम बजट में इतना अच्छा प्राइमर आपको मिल ही नहीं सकता। तो ब्राइड्स के लिए ना तो मतलब 100% मतलब बेटर बेस्ट, मतलब क्या कहूँ मैं, इतना अच्छा है ये तो ब्राइड्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे अब आती है कैरेक्टर्स की बारी। तो कैरेक्टर्स के लिए ना मेरे पास दो हैं। तो एक तो ना NYBA का ये येलो कैरेक्टर है, ये ब्राइटनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और एक इनसाइड का ये प्रो कैरेक्टर पैलेट है मेरे पास, जो बेस्ट है, मतलब बेस्ट से भी बेस्ट है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं लेना अंडर बजट में, कह रही हूँ ना ब्राइट्स के लिए 101% बहुत ज़्यादा बेस्ट है ये। तो इसी को ट्राई करना आप, इसमें आपको सारे कैरेक्टर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मैं अभी ऑरेंज कैरेक्टर यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज ऑफ कि हम यहाँ हैवी बेस तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं इसी को यूज़ कर ना हम थोड़ा सा हैवी बेस क्रिएट कर रहे हैं, इस वजह से सारे कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। नॉर्मल मेकअप भी करते हो ना, अगर आपको पिगमेंटेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है तो आपको कैरेक्टर्स यूज़ करने हैं। मुझे इतनी पिगमेंटेशन है नहीं, तो मैं हमेशा यूज़ नहीं करती हूँ, बट आज मैं हैवी बेस क्रिएट कर रही हूँ, इस वजह से मैं आज ये सारे कैरेक्टर्स यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो गाइज अब मैं यहाँ पे ब्राइटनिंग के लिए कैरेक्टर्स यूज़ कर रही हूँ। अब सेम पैलेट में मेरे पास एक कैरेक्टर है, बट मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। ये कोई चॉइस नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास है इस वजह से मैं यूज़ कर रही हूँ, वरना ये बेस्ट है। मैं कह रही हूँ ना गाइज ये पैलेट बेस्ट है, ब्राइड हो ब्राइड नहीं हो कुछ भी हो, मतलब सिंपल आप नॉर्मली अपने लिए भी लेना चाहते हो तो बेस्ट है बेस्ट। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं। तो आप देख सकते हो ना, देखो कितनी अच्छी तरीके से ना क्लियर स्किन हो गई है, बिल्कुल यहाँ से ऐसा ना ब्राइट ब्राइट चमक रहा है ना तरीके से ना, बिल्कुल क्लियर स्किन हो गई। ओके, तो गाइस इसके बाद ना मेरी सबसे बेस्ट चीज़ जो कि फाउंडेशन है, वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं मेबलिन न्यूयॉर्क का सुपर स्टे फाउंडेशन। ये 24 आवर्स सुपर स्टे फाउंडेशन है, मेबलिन का है, बहुत बेस्ट है। इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है ना वो 750 रुपीज़ है, बट मुझे ये कितने में मिला ये मैं अभी नहीं बताऊंगी आपको। अगर देखना है कि मुझे ये कितने में मिला होगा ना, तो मुझे ना 250 या 200 का मुझे इस पर ना फायदा मिल गया। मतलब जितनी इसकी 750 प्राइस है, ठीक है, तो इसमें से 200 या 250 माइनस कर दो आप, मुझे इतने सस्ते में ये मिल गया। तो इससे कम भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। मैंने इसका हॉल वीडियो पूरा मैंने ब्राइड के लिए या फिर आप कह सकते हैं ईद के लिए मैंने पूरा ना हॉल वीडियो डाल रखा है, तो आप जाकर ना देख सकते हैं, तो जरूर चेक करना। तो यहाँ पर हम यहाँ मेबलिन फिट मी का सुपर स्टे फाउंडेशन यूज कर रहे हैं। इसमें मेरा शेड है 128 वार्म न्यूड। इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा हाई कवरेज फाउंडेशन है। मुझे ना ऐसे डॉट डॉट करके स्प्रेड लगाना अच्छा लगता है, इससे ना पूरे फेस पे स्प्रेड हो जाता है और इवनली ना बिल्कुल ब्लेंड भी हो जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। ये ना बहुत ही ज़्यादा मैट फाउंडेशन है, तो ये ना ऑयली स्किन वालों के लिए बेस्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट ऐसा नहीं है कि ऑयली स्किन वाले इसे यूज़ नहीं कर सकते, ऑयली स्किन वाले भी इसे यूज़ कर सकते हैं, बट ना आपको अच्छी तरीके से आपके फेस को ना मॉइस्चराइज करना होगा, सीरम लगाना होगा, बहुत ही अच्छे से प्रेप करना होगा।
तभी आप इसे यूज कर सकते हैं, वरना बहुत ही ज्यादा ड्राई और ऐसा फ्लिकी फ्लिकी सा केकी सा हो जाएगा आपका मेकअप। तो उसको ध्यान रखना, अगर ड्राई स्किन वाले अगर इसको यूज करते हैं तो ये बेस्ट है। मैं इसको बिल्कुल मना नहीं करती हूँ कि अच्छा नहीं है ड्राई स्किन के लिए या फिर कुछ भी। ये आप ना अच्छे से सीरम लगाइए, अच्छे से प्रेप करिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करिए, सब करिए, उसके बाद इसे यूज करिए, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ओके तो गाइस, इसके बाद ना हम यहाँ पे कंसीलर यूज करेंगे अपना आई मेकअप करने के लिए। तो कंसीलर के लिए ना यहाँ पर ये मेरे पास इनसाइड का HD कंसीलर है, जो मतलब मैं पता नहीं कब से खरीदना चाहती थी, बहुत टाइम से मैं इसे खरीदना चाहती थी, बट ठीक है ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर रहा था मुझे, दैट्स व्हाई मैंने नहीं खरीदा। बट तो फिर अब मैंने सोचा यार मुझे खरीदना ही है, तो मैं इसे ना थोड़ा सा इस तरीके से ना शेक कर लूँगी, फिर मैं इसे यूज़ करूँगी। देखो इसकी बॉटल देखो, मतलब कितनी क्लासिक है ना यार, कितनी क्लासिक है। इसका वॉन्ट देखो आप, मतलब कितना बड़ा है ये देखो। ऐसे ना वो 1000-2000 के ना जो कंसीलर्स होते हैं ना, उनमें ऐसा वॉन्ट आता है, इतना थिक वॉन्ट। बट ना इसमें यार इतने कम बजट में इतनी अच्छी चीज़, मतलब एक ना वो एक्सपेक्टेशन नहीं होती ना यार, वाओ मतलब कैसे। हाँ तो इसमें मेरा शेड है LN10, तो ये मेरा शेड है, वो बहुत ये ना लाइट शेड मैंने मंगवाया है, मेरी स्किन से ना एक दो शेड लाइट है ये, तो फिर इसलिए मैंने इसे मंगाया। बट ना कंसीलर्स ना थोड़े लाइट ही होने चाहिए, थोड़े से ऑक्सीडाइज भी होते हैं और कंसीलर्स लाइट ही चाहिए, इस वजह से मैंने इसी को मंगवाया। तो अब ना मैं इसे ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। उसकी फिनिश देखो, इसका कवरेज देखो यार, मतलब इतना अच्छा येलो अंडरटोन में, इतना शानदार कवरेज है इसकी। और कवरेज तो ठीक है, बट इसका फिनिश बहुत ज़्यादा अच्छी, मुझे इसे कवरेज से ज़्यादा इसकी फिनिश लगी है। इतनी प्यारी फिनिश है ना यार, और इतना स्लीमलेसली ब्लेंड हो रहा है ना, बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा। जितनी मैं इसकी तारीफ करूँ उतनी कम है, इतना ज़्यादा मुझे ये अच्छा लगा। ओके तो यहाँ पे ना अब इसे सेट कर लेते हैं। सेट तो सेट करने के लिए भी ना मैंने एक पाउडर मंगवाया है, तो मैंने यहाँ पर ना ब्लू हेवन का फ्लॉलेस फिनिश पाउडर, ये फेस पाउडर मैंने मंगवाया है। ये भी ब्राइड के हिसाब से ही मैंने मंगवाया है, या फिर आप ईद के हिसाब से भी इसे मंगवाना चाहते हैं तो ले सकते हैं। बहुत ही अंडर बजट है, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत अच्छा है, मतलब सच में बहुत अच्छा है यार। और इसमें मेरा शेड जो है ना वो है यार, एक तो शेड नहीं लिखा होता ना इस पर शेड का, तो गाइस ना मुझे इस पर शेड नहीं मिल रहा है, तो मैं ना स्क्रीन पर डाल दूंगी, आप देख लेना इसमें मेरा शेड क्या है। तो ये ना इस तरीके से ओपन होता है, इसमें ना बहुत ही अच्छा देखो, इतना अच्छा पफ है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा पफ है इसमें। और इसको मैंने अभी तक ओपन भी नहीं करा है, तो इसको ना यहाँ से ओपन करें, यहाँ से इस तरीके से ओपन करते हैं। तो इसमें ना बहुत ही ज़्यादा फाइन पाउडर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा फाइन है यार, बिल्कुल आपके ऑयल को कंट्रोल करेगा, स्वेट को कंट्रोल करेगा, बहुत ही अच्छे से ना सेम मेकअप को ना सेट करके रखेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आप ना मतलब आप अगर करते हो कि आप ना कंसीलर लगा लेते हो देन उसे सेट नहीं करते, तो उससे क्या होगा आपके ना लाइन्स पड़ने लगेगी, जो क्रीज लाइन्स है ना उस पर ना बिल्कुल क्रीज कर जाएगा, क्रीज लाइन्स पड़ने लगेगी, बिल्कुल भी अच्छा लगेगा। आप ना वो आई मेकअप भी करोगे ना तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए ना इसको सेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे ना कुछ शिमा वाला आई शेडो यूज नहीं कर रही हूँ, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने कोई शिमरी आई शेडो नहीं करा है। तो ये ना ब्राउनिश थोड़ा सा न्यूट्रल टोन पे या फिर ना न्यूड टोन पे करा हुआ है, तो इसी तरीके से हम करेंगे। दैट्स व्हाई मैंने ना बीस पहले अगर मैं ना शिमर्स यूज करती ना तो थोड़े फॉल आउट होते हैं, बट ये जो आई शेडोज हैं फॉल आउट नहीं होते। उसमें ना मेरा फेवरेट जो आई शेडो पैलेट है मैं उसी को यूज कर रही हूँ, ये भी ब्राइड्स के लिए या फिर ईद के लिए, दोनों के लिए मैं बोल रही हूँ गाइस, ईद के लिए एंड ब्राइड्स के लिए बहुत बेस्ट, मतलब ये जो है पिस्टल पैराडाइज का ब्यूटी ग्लेज का ये पैलेट है, मतलब बेस्ट है ये ब्राइड्स के लिए, तो 101% बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये, मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट क्या लोगे आप, मतलब क्या ही लोगे यार। अगर आप बिगनर हो ना तो भी आपके लिए बेस्ट पैलेट है ये। तो इसी से हम हमारा मेकअप आई मेकअप स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं कैमरा को। ओके तो गाइस अब यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने एक ऑरेंजी शेड लिया है, उसको ना अपने आउट ऑफ व्यू पर प्लेस करते हुए आगे की तरफ ब्लेंड कर रही हूँ। अब ब्लेंड करने की टेक्निक आपको देखनी है किस तरीके से ना मैं राउंड करते करते ब्लेंड कर रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैं आगे पीछे इसी तरीके से ब्लेंड कर रही हूँ, इतना राउंड राउंड करके मैं ब्लेंड कर रही हूँ। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं किया है ताकि आपको ये समझ में आए, तो मैं उसको ऐसे राउंड राउंड करके ब्लेंड कर रही हूँ। ना नेक्स्ट मैंने एक ब्राउन कलर लिया है, सेम मैंने लास्ट अपने आउट ऑफ वी से ब्लेंड करना आगे की तरफ स्टार्ट करा है, ऐसे राउंड राउंड करते हुए पूरा ब्लेंड कर रही हूँ उसे, थोड़ी सी मैंने स्पीड बढ़ा दी है। और अब ना मैंने यहाँ पे ओलिविया का कंसीलर स्टिक लिया है, इससे मैं अपनी ना कट क्रीज क्रिएट करूँगी, तो मैं यहाँ पे हाफ कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा कंसीलर या एज अ फाउंडेशन आप जो कहना चाहे कह सकते हैं। तो और अब ना यहाँ पर मैं एक हाईलाइटर लिया है,
हाँ आप कह सकते हैं मैं एक आई शेडो भी ले सकती थी, बट मैंने यहाँ पे हाईलाइटर लिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसकी शिमर वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसी को पिक किया। और अब ना मैंने यहाँ पे उसी सेम पैलेट से एक ब्राउनिश कॉपरिश कलर को ना अपने सेंटर आईलिड पर लगा लिया है और इस लुक को ना कंप्लीट किया। और लास्ट में ना मैं क्या कर रही हूँ, ब्राउन शेड को ना उसी को अपने ना एजेस जो भी होंगे ना उनको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे तरीके से। कितना प्यारा आई लुक निकल के आया, आपको कैसा लगा ज़रूर बताना। नाउ नेक्स्ट अब मैंने एक NYBA का आईलाइनर लिया है, उसने अपना एक पतला विंग क्रिएट किया, ज़्यादा हैवी विंग नहीं किया है, पतला विंग क्रिएट किया है जिससे ना अपना मेरा आई मेकअप भी दिखे और विंग की वजह से बहुत ही फ्लॉलेस भी लगे। इसके बाद ना यहाँ पे मैंने एक स्टिक वगैरह का काजल ले लिया है जो कि बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो ज़रूर 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 यूज़ करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे यार। अब ना मैंने यहाँ पर जो हमारा कंसीलर था ना उसको लिया है अपने अंडर आई में, मैं से अब लगा रही हूँ क्योंकि ना जो भी फॉल आउट होता है या फिर है ना आउटर व्यू पर जो एजेस होते हैं ना वो बिल्कुल ब्लेंड हो जाते हैं सही तरीके से। अब यहाँ पर ना मैंने मस्कारा लिया है और यहाँ ये ना ब्यूटी पीपल का मस्कारा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, अपने अपने लैश को इतने अच्छे तरीके से लेंथनिंग देगा। मैंने यार इसका लिंक प्रोवाइड नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे ना मिल नहीं रहा है, मैंने आई थिंक इसको ना फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, मुझे याद नहीं है, बट मैंने ना सब पे चेक कर लिया, मुझे किसी पर भी ये नहीं मिल रहा है, तो मिलेगा जैसे मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अब ना यहाँ पर मैं सेम ब्राउनिश कलर को ना अपने लोअर लैश लाइन पर स्मच कर रही हूँ। अब मैं एक गोल्डनिश मतलब सिल्वरिश कलर है, गोल्डनिश कलर है, इसके लिए प्रिसाइज बिल्कुल पतले ब्रश के हेल्प से ना मैंने अपने आउट इनर कॉर्नर्स को लगा लिया है। अब मैं उसी सेम पैलेट में से ब्राउन कलर को लेकर अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आईब्रोज फिल करना, वरना पूरा मतलब पूरा किया कराया सब पानी में, कोई अच्छा नहीं लगेगा आपका जब तक आपने आईब्रोज फिल नहीं करी है। अब मैं एक स्पूली की हेल्प से मैंने उसे ब्लेंड कर लिया अच्छी तरीके से कॉम करते हुए। ओके तो गाइस अब हमारा ना आई मेकअप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ना अब अपने फेस को सेट कर लेते हैं। अब इतनी देर से मैंने अपने फेस को सेट नहीं करा है ना, बट फिर भी ना बिल्कुल केकी हुआ है, ना ही कोई ऑयल रिलीज हुआ है, ना ही कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल जैसा था जैसा हमने सेट करा था सेम वैसा का सेम। मैं अपने फेस को सेट करने के लिए ब्लू हेवन का ये लूज पाउडर ले लूंगी। ओके तो गाइज आपने मेरा सेकंड चैनल देखा या नहीं, उस पर एक गिव अवे चल रहा है, अगर आपने नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ज़रूर चेक करना, उस पर बहुत अच्छा गिव अवे चल रहा है। तो कॉन्टोर के लिए ना मैंने कोई अलग से चीज़ मंगाई नहीं क्योंकि मैं भूल गई इसलिए, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप ना ऐसे बजट फ्रेंडली, मैंने आपको ये बताया ना इस तरीके का, इसमें आपको एक कॉन्टोर शेड मिल जाएगा, नहीं तो आपके पास ना इनसाइड कॉस्मेटिक्स का ही पूरा पैलेट है। इसमें भी ये जो दो शेड मिल रहे हैं ना आपको, ये दोनों शेड कॉन्टोर के हैं, तो आप इन दोनों को यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर ना ये पाउडर कॉन्टोर इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ना बिल्कुल मेरी स्किन टोन के हिसाब से, इसलिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। आपको ना हमेशा इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट नहीं आना है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल से इस तरीके से स्ट्रेट नहीं आना है, आपको ना घुमाकर लेना है, थोड़ा सा घुमाकर, ताकि ना थोड़ा सा लिफ्टेड लगे आपके जो चिक्स हो ना, थोड़ा लिफ्टेड लगे, ऐसे करना है। तो देखिए आपको पता चले ना, इस वजह से मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं करा है, किस तरीके से आपको ब्रश चलाना है और किस तरीके से आपको कॉन्टोर या ब्रॉन्जिंग करनी है आपको, और इसलिए मैंने बिल्कुल भी वीडियो को फास्ट नहीं करा है। आप देखिए समझिए किस तरीके से आपको करना है। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी हैवी ब्रॉन्जिंग की है बिकॉज ऑफ की हैवी बेस, इसलिए नेक्स्ट ना हम ब्लश ले लेते हैं। तो मुझे याद नहीं है उनका ब्लश किस तरीके का था, तो अपना पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पर, तो उनके ब्लश ना थोड़ा सा पीचिश टाइप का थोड़ा सा ब्लश है वो, वैसे ना मुझे बताया मैंने कि बहुत सारे मतलब सीरियल्स वगैरह देखे हैं, तो ये ना थोड़ा सा ऐसे बिल्कुल नेचुरल टोन का ब्लश लगाते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है ओरिजिनल इनकी स्किन है, बट यहाँ पर ना इन्होंने थोड़ा सा हैवी लुक कर रखा है, सो जैसे उन्होंने थोड़ा सा पीचिश टोन पे जो है ना होता है ना उस तरीके का इन्होंने लगा रखा है। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी ना ये SFR कलर्स का ये ब्लश, ये पीचिश टोन का ब्लश है, वो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है, तो बहुत ही ज़्यादा लाइट लूँगी, तो थोड़ा सा ना डस्ट ऑफ कर लूँगी ताकि बहुत लाइट लगे, मतलब ज़्यादा ओवर ना हो जाए। इसके बाद हम यूज़ करेंगे हाईलाइटर। तो हाईलाइटर के लिए भी मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट ना यहाँ पर आज मैं यूज़ कर रही हूँ ये NYBA का हाईलाइटर। जितनी भी चीज़ें मैं गाइस यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ना, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटिंग कर रखी है, मतलब पूरे फेस पर हाईलाइटर मतलब बहुत ज़्यादा हैवी कर रखा है उन्होंने, तो इसलिए मैंने भी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा ही हाईलाइटर लगाया है।
और लास्ट में ना मुझे लगा यार ब्रश से लगाना सही रहेगा, फिंगर से ज़्यादा सुटेबल नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर ना ब्रश से ये पूरे फेस पे तो जहाँ जहाँ हाईलाइटेड है वहाँ पर ना हाइलाइटर लगा दिया। ओके तो गाइस इसके बाद ना हम यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिपस्टिक के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो माल्याओं की मेरे पास ये लिपस्टिक है एंड सेकेंड मेरे पास ये किस ब्यूटी की इसकी लिपस्टिक है। दोनों ही ब्लड रेड कलर की है इनकी भी। ओके ना गाइस तो मैं सेटिंग स्प्रे के बारे में बताना भूल गई थी, तो यहाँ पर मैं ग्लैम 21 का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसका स्प्रे ना बहुत ज़्यादा फाइन है। आपको इसको शेक कर थोड़ा सा दूर रखना है और इसमें बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेग्रेंस है, ज़्यादा फ्रेग्रेंस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और ना जो भी एक्सेस होगा ना वो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। ओके तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर।